रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सीमा हैदर का केस अब इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगा। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान को पत्र भेज दिया है। वेरिफिकेशन के लिए कई पत्र भेजे गए हैं। जांच में अड़चन डाल रहा है गुलाम हैदर जांच में रोड़ा बन रहा है। सीमा के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में ये मामला डाला जाएगा। भारत द्वारा भेजे गए कई पत्रों का पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया है। बहुत आवश्यक मैसेज जरूरी था, जो हमारी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगी हुई है। उसने महामहिम राष्ट्रपति जी के सचिवालय से वो याचिका गृह मंत्रालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई। जब हमने वहां पता किया तो कहा लगातार हम उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान गवर्नमेंट लगातार अड़चने पैदा कर रही है, रुकावट डाल रही है। जो चीजें वेरिफिकेशन होके आ जाना चाहिए थी 6 महीने के अंदर टाइम होता है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार, वो अभी तक वो नहीं कर रहे इसका मतलब। और उन्होंने कहा कि गुलाम हैदर वहां कंप्लेंट देते हैं, शिकायत करते हैं, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, जिससे कि आगे प्रोसीडिंग जल्दी हो सके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सीमा सचिन मीना की तरफ से याचिका लगाएंगे कि वो हस्तक्षेप करे, हमारे दो देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनका पालन हो, और उसके तहत वो कार्रवाई करके वेरिफिकेशन करके यहाँ भेज दें। कागजों की सारी लंबी लिस्ट है। सीमा जब पाकिस्तान से आई तो सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से दे दिए गए, जो लेके आई, और उसके आधार पर सारा वेरिफिकेशन हो रहा है। इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। वो खामखा ही भागदौड़ कर, उनके जो वकील हैं वो हमारे भाई डॉक्टर सिंह के आगे कुछ भी नहीं है। वो जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो भी उनके बलोच कबीले के ही हैं, उनके ही के, तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो खामखा ही कर रहे हैं, और जो हमारे बल उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनका कोई अधिकार है ही नहीं हम पे। अगर अधिकार होता तो हमें छोड़ के जाते नहीं, ऐसे कोई नहीं छोड़ता किसी प्रेग्नेंट लेडीज को। तो मुझे छोड़ के अपनी मर्जी से जा चुके थे, और उनके और भी बच्चे हैं और पत्नी है, उनको देखें। खामक अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में किसी और को उल्टा सीधा बोलना या ऐसी बातें करना, ये गलत है। बच्चे मेरे हैं, बच्चे मेरे साथ रहेंगे, बच्चे उनके पास कभी भी नहीं जाएंगे, बच्चे उनको पहचानेंगे तक नहीं। वो इंसान पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। आज उनकी माँ की तबीयत खराब हुई तो सऊदी छोड़ के आ गए पाकिस्तान। जब हम आए थे तब वो क्यों नहीं आए, चलो चिंता थी तब आ जाते पाकिस्तान। तो अब ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है मुझे। मैं बहुत खुशी हूँ, बुरका छोड़ के साड़ी पहन ली, मैं बहुत खुश हूँ। मंदिर, मैं वैष्णो देवी, मथुरा वृंदावन एंड जो बन रहा है अभी राम मंदिर, मैं वहाँ जाऊँगी, जरूर जाऊँगी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर का मामला अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाला जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए राष्ट्रपति को कई बार अर्जी दी जा चुकी है, याचिका दी जा चुकी है, और राष्ट्रपति के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा ये याचिका पाकिस्तान वेरिफिकेशन के लिए भी कई बार दी गई है। लेकिन सीमा का पति गुलाम हैदर पाकिस्तान में ये वेरिफिकेशन पूरा नहीं होने दे रहा है, जिसके बाद सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलने में काफ़ी समस्या आ रही है। और इस सभी मामले से जुड़कर के सीमा हैदर का भी बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मेरे बच्चों पर किसी का भी अधिकार नहीं है, और मैं बुरके से आज़ादी पा चुकी हूँ और साड़ी पहन करके बहुत खुश हूँ। वहीं सीमा हैदर ने ये भी कहा है कि मैं श्री राम मंदिर जाना चाहती हूँ, मथुरा वृंदावन के दर्शन करना चाहती हूँ और माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहती हूँ। अब देखना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सीमा हैदर और गुलाम हैदर के मामले में क्या फैसला लेता है। कैमरा पर्सन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, नोएडा।